हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी सेकंड ईयर बोटनी फर्स्ट पेपर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो विद्यार्थी जो है नहीं कर पाता है, और जिसने पढ़ा होता है अच्छे से वो इन क्वेश्चनों को क्या होता है अच्छे से कर देता है, और इनके पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो एक नंबर का आपको जो है एबस एदे टाइप में पूछे जाते हैं, तो एक नंबर आपको पूरा मिल जाता है, इनमें कटने के कोई चांसेस नहीं है नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर, तो आइए स्टार्ट करते हैं बोटनी फर्स्ट पेपर बीएससी सेकंड ईयर, ठीक है। टाइम आपको वहाँ पर 3 घंटे का मिलेगा, और जो है बड़े क्वेश्चन भी हैं, बड़े क्वेश्चन की काफ़ी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, तो आप आपके यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर प्लेलिस्ट जो बना रखी है मैंने, उसमें जाके चेक कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं और काफ़ी वीडियोज जो है डाल रखी है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है ये, और हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी है, तो अपन करेंगे इसको हिंदी में हल, इंग्लिश वाले देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अर्थात जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर देना है। देखिए, एक मूल में शीर्षस्थ विभिज्योतक की स्थिति होती है, एक मूल में शीर्षस्थ विभिज्योतक की स्थिति होती है, जो टिश्यूज होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा शीर्षस्थ, बी हो जाएगा उप शीर्षस्थ, और सी हो जाएगा पार्श्व, और डी हो जाएगा आधारीय। तो जो है इनके आंसर भी आपको जो है मैं बता दूंगा, अभी मेरे को भी कंफर्म नहीं है इनके आंसर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा कि एक बीजपत्री पौधे में अध्यारोपण संभव नहीं है, क्योंकि उनमें क्या होता है, संवयनपुल बिखरे हुए होते हैं, ऐदा का अभाव होता है, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, शाकीय होते हैं। तो इनमें से आपको जो है एक राइट आंसर आपको मिल जाएंगे, आपके नोट्स वगैरह कुछ में भी देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएंगे, और नहीं मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से है, सबसे लंबा जो तीसरा है आपका, फर्स्ट का तीसरा है कि सबसे लंबा आवृत बीजी पादप है, ओक, यूकेलिप्स, रेगन्स, सेलिक्स, और डी है सिकोइया, सेमी, परविरेंस। तो इनमें से एक आपको कर लेना है, ठीक है, राइट आंसर आपको इसमें से देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी करते चलेंगे, उनके हिसाब से वाहिकाएं अनुपस्थित होती है, तो किसमें होती है, ए बी सी डी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती है, उसका आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, पेगोडा वृक्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है, पेगोडा वृक्ष का जो है सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, आम, बबूल, शीशम व छटीन, तो इनमें से एक राइट आंसर आपको चुनना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, लेप्टोसेंट्रिक संवयनपुल पाए जाते हैं, तो लेप्टोसेंट्रिक संवयनपुल किस में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ए है यहाँ पर मीरा बीलस में, बी है ड्रेसिना में, और सी है बिग्नोनिया में, और डी है सेल्वे डोरा में, तो इसमें से राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में अंतर जाइलमी फ्लोएम व 2 बड़े मज्जापुल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर है लेप्टोडीनिया, बोरेहाविया, और नेक्स्ट जो है आपका एका इरेन्थिस, और डी है एरिस्टोलोकिया, तो इनमें से राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगला, इसी क्वेश्चन के चल रहे हैं छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर आपको अपने बुक में नोट्स में किसी में मिले वहाँ से कर लेना, नहीं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। एक वृक्ष की परित्वक मुख्य रूप से निम्न ऊतकों से निर्मित होती है, ए है फेलोजन क्यूटिकल कॉर्टेक्स, बी है फेलोजन फेलम क्यूटिकल, सी है फेलोजन कॉर्टेक्स फेलम, डी है फेलोजन फेलम फेलोडर्म, तो इसमें से राइट आंसर आपको चॉइस करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किसी पर्ण के रंध्रीय सूचकांक की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, तो इनमें से कौन सा सूत्र से जो है की जा सकती है, वो आपको यहाँ पर देना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट का ही आपका, कि पर्णाभव्रंत एक संयुक्त पर्ण के पर्णव्रंत व रेकिस का रूपांतरण है तथा लाक्षणिक रूप से मिलता है, ये है नागफनी में, एगेव में, विलायती बबूल में, और युक्का में, तो इनमें से राइट आंसर आपको जो है बताना है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, कि मूल शीर्ष संगठन का कोरपर व कापे सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ए है स्वीप ने, बी है थॉमसन ने, और सी है हेबरलैंड ने, और डी है नागेली ने, तो अगला है नेक्स्ट यहाँ पर, बीज का कौन सा ऊतक परिभ्रूणपोष बनाता है,
भ्रूण, बीज कवच, बीजांडकाय और भ्रूणपोष, इनमें से कौन सा परिभ्रूणपोष बनाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट, देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ये क्या है, आज मेरे पास लैपटॉप है नहीं, फोन में ही बना रहा हूँ तो थोड़ा सा वो हो रहा है। देखिए कौन सा पादप टंबलवीड कहलाता है, कौन सा पादप है जो टंबलवीड कहलाता है, ए सत्यानाशी, बी चोलाई, सी विस्कुम, डी आक। नेक्स्ट यहाँ पर नरगिस में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, कंद, घनकंद, प्रकंद और वह सलकंद, इनमें से बताना है। अब आपका जो है यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाएगा तो उसको जो है मैं बता देता हूँ, इनको भी कर लेना आप। तने के रोम रिक्त स्थान कहलाते हैं, कोशिकीय प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। नेक्स्ट है निकेटेंथिस के वलकुटीय संवहन पुल संरचना, इसका बीज का आपको लिखना है, VAM का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है, और सीसम रेशो का स्रोत है, सीसम रेशो का स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको BSc से संबंधित काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट मैंने करवा रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।